भाई हम लोग आ चुके हैं मानगो बस स्टैंड के पास और देख सकते हैं आप जमशेदपुर का जो ट्रैफिक है, देखिए ट्रैफिक कितना जाम रहता है। ये देखिए हुआ मानगो चौक, आपको दिख पा रहा होगा, ये हुआ मानगो चौक। भाई इस साइड से जा सकते हैं आप साक्षी की ओर, अगर आप उस साइड जाते हो तो देखिए आगे आपको बस स्लीपर दिख रहा होगा। उस साइड है मानगो बस स्टैंड, इस साइड है जो मानगो बस्ती की ओर जाता है। तो चलिए अब आपको बस स्टैंड जाते हैं, वहाँ का व्यू देते हैं आपको, वहाँ पे पूरा डिटेल में बताते हैं कि वहाँ का टिकट प्राइस वगैरह क्या क्या है। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। तो हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ जमशेदपुर का मानगो बस स्टैंड में, और मैं आपको यहाँ से जमशेदपुर टू नवादा का टूर का फुल रिव्यू करने वाला हूँ, और बताने वाला हूँ कि जमशेदपुर टू नवादा कहाँ से कैसे जाना है और कितना टिकट प्राइस है वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और कौन कौन सा बस जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो डिस्प्ले पे शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो में अब आपको दिखाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे मैं यहाँ मानगो बस स्टैंड का गेट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए नटराज बस लगा हुआ है जो ये भी नवादा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि और कौन कौन सा बस नवादा की ले खुलता है। यहाँ से ये शिव शक्ति एसी बस है जो कि यहाँ से बिहार शरीफ के लिए खुलता है, और चलिए आपको आगे दिखाते हैं और कौन कौन सा बस है यहाँ से जो खुलता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस साइड में देखिए नटराज, शिव शक्ति, जय माता दी, जितने भी ट्रेवल्स यहाँ से खुलते हैं बस सबका यहाँ पे देखिए काउंटर है। इस साइड में देखिए नटराज जो बिहार शरीफ के लिए खुलता है वो है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। लगा हुआ मेरा बस जो कि मैं जिससे जाने वाला हूँ, जिसमें मैंने टिकट कटाया, इसका काउंटर भी इस साइड में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से नवादा का टिकट प्राइस है एसी का आपको लगभग 700 रुपये का पड़ेगा, और अगर आप इस साइड पर बिना नन एसी में जाना चाहते हो तो आपको 500 रुपये पड़ेगा। फिलहाल भाई लोग मैं अपना बस में आकर बैठ गया हूँ, और देखिए मैं स्लीपर पे बैठा हुआ हूँ फिलहाल, तो मेरा स्लीपर था। तो देखिए इस साइड में लगा हुआ है एसी, आपको देख पा रहा हूँ अंधेरे में थोड़ा लाइट बंद कर दिया गया है, इस साइड में दिख रहा होगा आपको, इसलिए गाड़ी का जिंदगी कुछ ये रहा। एसी नीचे नीचे सीट है और ऊपर स्लीपर है, देखिए नंबरिंग दिया गया है, ऊपर ऊपर लगाया हुआ है, लाइट वाइट भी है। ये देखिए अंदर में स्लीपर का कुछ ये सीन रहा, ऊपर देखिए लाइट वाइट लगा दिया गया, साइड में देखिए एसी है, ये देखिए एसी का ये रहा डोर ओपन और ऑफ करने के लिए। अब फिलहाल तो ठंडा का सीजन, इसे हीटर टाइप का चलाया जाता है, ठंड गर्म, आप चाहे ज़्यादा गर्म लग रहा था आप बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते, चार्जिंग प्लग दिया गया है। और इस साइड देखिए सीखा रहा, इसमें पर्दा भी दोनों साइड से लगाया हुआ है, प्लस सीट भी कम्फर्टेबल सीट बनाया गया है। ये देखिए सर को लिए तकिया टाइप का बना दिया गया है। तो फिलहाल हम लोग रांची का जो टूल टैक्स है वहाँ पे आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग बस में गाना सुन रहे हैं तो इस टाइप के म्यूजिक भी बजते रहता है बस में, आपको जहाँ आपको कोच में भी म्यूजिक पर्सनल लगा रहता है तो आप अपना पर्सनल म्यूजिक भी सुन सकते हो, नहीं तो बंद करके चुपचाप जा सकते हो। तो फिलहाल भाई लोग हम लोग का बस बरही में रुका है नाश्ता वास्ता करने, जिसको खाना पीना खाना है प्लस टॉयलेट जिसको जो करना है करने के लिए रुका है। तो चलिए यहाँ से आपको बैग भी देते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ रुका है और किस होटल में रुका है। जैसा कि देख पा रहे होंगे बरही का 4 लाइन हुआ जो आप देख पा रहे होंगे, देखिए गाड़ी वगैरह जा रहा है वो 4 लाइन हुआ। इस साइड में देखिए सामने बस लगा हुआ है, और इस साइड में रहा होटल जिसमें रुका है गाड़ी। यहाँ पर चाय पानी नाश्ता के लिए गाड़ी को रोका गया है, सब चाय पानी नाश्ता करेंगे या फिर यहाँ से चलेंगे, और यहाँ से चलेंगे तो चलिए अब यहाँ से चलेंगे तब का व्यू देते हैं, और प्लस में होटल का कुछ इस टाइप का व्यू रहा जैसा कि आप लोग दिख पा रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे ये रहा होटल, और इस साइड रहा 4 लाइन। तो इस साइड में गाड़ी को रोका गया है, जैसा कि सामने आप लोग देख पा रहे होंगे बस को। जितना शानदार होटल है उतना अच्छा वहाँ पर खाना भी दिया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे भुजिया है, पनीर है, छोले हैं, फिर देखिए ताड़का है। तो चलिए अब चल, तो खाने पीने के बाद दोस्तों हम लोग ऐसे बरही होटल से निकल चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि बरही होटल का लाइन होटल है वहाँ पर दर्शन कर देते, तो यहाँ सब चल चुका है। तो चलिए अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं।
बहकी सभी। फिलहाल भाई लोग हम लोग का गाड़ी कोटरमा आ चुका है, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहीं पे पेट्रोल पंप में तेल डलाया जा रहा है, मतलब फ्यूल डलाया जा रहा है, फ्यूल डला गया है। अब चाय वाय, ये देखिए रहा पेट्रोल पंप, इस साइड में देखिए फ्यूल गाड़ी में डलाया जा रहा है, तो हमारा गाड़ी देखिए फ्यूल डलवा कर यहाँ लगा हुआ है, अब जाने का तैयारी हो रहा है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। कोडरमा के बाद आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कोहरा है कोडरमा में, आप देख पा रहे होंगे। देखिए सामने कुछ भी नहीं मतलब दिख पा रहा, जैसे कि एकदम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिख पा रहा है, जैसा कि देख पा रहे होंगे। देखिए ये हमारे सोनू भी हैं, कोई बस को चला रहे, देखिए सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं हिसुआ, तो क्योंकि ऐसे तो हम लोग नवादा जाने वाले थे, पर हम लोग को हिसुआ आना पड़ा क्योंकि कोडरमा में मतलब कोडरमा में जाम का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा था, इसके कारण से हम लोग का बस डोभी होते हुए गया होते हुए फिर हिसुआ आ गया। तो हिसुआ से हम नवादा जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसा इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।